हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन, नया व्लॉग। और क्या हाल चाल है? काफ़ी अरसे बाद मैं हाज़िर हुई हूँ। कोई लॉन्ग वीडियो नहीं आई, शॉर्ट वीडियोस तो मेरी चल रही हैं, जिस पर आप लोग बिल्कुल प्यार नहीं दे रहे हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना ही देखते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। अच्छा जी, तो वीडियो का आगाज़ तो कल रात को हो चुका था, और लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि मैंने बाहर निकल के ही वीडियो का स्टार्टअप लिया, लेकिन शोर इतना था कि घर आई, एक तो लाइटिंग का इशू हो रहा था उस वक्त, और घर आई तो पता चला कि आवाज़ क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ घर से जो है स्टार्टअप दोबारा ले लेती हूँ। तो वीडियो में जाके देखें हमारे साथ क्या क्या हुआ, मैंने सही किया गलत किया, इसका फैसला आप बताएगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन क्या हुआ और कैसा हमने, खैर मैं क्या बोलूँ, क्या हुआ अब खुद ही वीडियो में देख लेगा, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने सही किया गलत किया। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है वो लोग गलत हूँ, खैर। और दूसरी बात यह है कि प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भाई सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन सर्दियाँ आ नहीं गई हैं, सॉरी टाइम आ गया सर्दी आने का, लेकिन कराची में तो बहुत गर्मी है। आपके शहर में क्या हाल है ये भी कमेंट में बताएगा। चलें अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जी ये मैंने स्टार्ट हो गया था, जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, मेरी शक्ल बहुत मुझे नज़र आ रही है, और शोर तो अल्लाह माफ़ी बहुत ही ज़्यादा था। खैर हम लोग जो है ना निकले थे, मैं, मेरी बहन, मेरा भाई और मेहदी हमारे साथ ज़रूर था। हम लोगों को खाना था मोमोज। हम लोग मैंने ना एक जगह देखा था, एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पर मोमोज आ चुके हैं, जो हमारे इर्द गिर्द ही था, यानी नॉर्थ आजमाबाद में ही था। तो मेरा बड़ा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मोमोज खाऊँ, मोमोज खाऊँ। मैं घर में भी बना सकती हूँ, लेकिन एक दफ़ा बोलते हैं ना कि बाहर के आप मोमोज खा ले तो आपको इतमान हो जाता है कि हाँ अच्छा ये टेस्ट होता है, ऐसे होते हैं, और हम फिर घर में बना लेंगे। खैर हम लोग जब है ना वहाँ पर, हमने कहा चलो वहाँ पर हम मोमोज खाएंगे और थोड़ी एक और डिश थी साउथ इंडियन डिश मसाला डोसा। तो हमने कहा हम ये दो चीज़ें जो है ना खा लेते हैं कि टेस्ट पता चले कैसा है कैसा है। खैर हम वहाँ पर रेस्टोरेंट में पहुँच गए। अब मैंने इनको ब्लर कर दिया, कोशिश बहुत की कि मैं ना दिखाऊँ कि ये कौन सा रेस्टोरेंट है और हमारे संग यहाँ क्या क्या हुआ। खैर हम रेस्टोरेंट पहुँचे, हम बैठ गए। जब हम वहाँ पर पहुँचे ही थे ना, तो हमें लग नहीं रहा था कि जैसे आप लोग किसी रेस्टोरेंट जाएँ तो वो आपको बहुत वेलकम करते हैं और वो हो रहे होते हैं कि सर मैम क्या चाहिए, कुछ नहीं। हम जाके बैठ गए वहाँ पर, दो फैमिलीज बैठी थी, एक चली गई, एक फैमिली और बैठी हुई थी और वो उनसे बात कर रही थी इंग्लिश में, पट पट पट। खैर हमने जो है ना वहाँ से वहाँ पर गए, उन्होंने कहा हमारे पास ये चीज़ें नहीं। हमने कहा हम तो ये चीज़ें खाने आए, तो उन्होंने ये भी निकाला नहीं, हम आपको वो कर देते हैं, बना लेते हैं, क्योंकि बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने कोई भी नहीं कहा। मैं मुझे गुस्सा आने लगा, मैंने कहा इनका बिहेवियर ही कुछ अजीब सा था और बहुत वियर्ड बिहेवियर कर रहे थे। तो खैर हम लोग है ना वहाँ से उठकर, मैंने कहा भाई से चलो, भाई कह रहे नहीं तुम गलत कर रही हो, किसी रेस्टोरेंट जा रही हो, ऐसे उठ कर। मैंने कहा नहीं वो, और उन्होंने रोका भी नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नहीं मैम थोड़ी देर रुक गए, हम आपको जो है ना सर्व कर देंगे, बना देंगे या कुछ और ले लेंगे कर लेंगे, नहीं उन्होंने भी हमें जाने दिया और हम खैर उठ कर आ गए। अब हम निकले तो थे ही बाहर, तो हमें तो कुछ खाना था। खैर हम लोग वहीं पर एक कार्ड था कि जो एक जाने बहुत मशहूर हुआ था, चाइनीज कार्ड, हमने वहाँ से चाइनीज लिया और उसी के बराबर में देखे मोमोज मुझे खाने थे, तो अल्लाह किस तरह सना निकला है, एक छोटे से कार्ड पे मोमोज थे और उसके प्राइस भी कम थे और बहुत ही मजे के थे। मेहदी के एक्सप्रेशन से शायद आपको पता चल जाए, बहुत ही और देखने में बड़े टेंडिंग और जूसी लग रहे थे, बहुत ही मज़ेदार से, मुझे यानी बहुत ही मज़ेदार, मतलब मैं इस तरह से कह रही हूँ कि एक बड़े रेस्टोरेंट और में जहाँ हम गए थे और एक कार्ड्स के उसके हिसाब से मैं कह रही हूँ, प्राइस भी कम थे और मज़ेदार अच्छे थे। हाँ चटनी उन्होंने वो वाली मोमोज की जो चटनी होती है वो नहीं बनाई हुई थी, लेकिन इन्होंने ये देखे आपको नजर आ रही है, मुँह में मेरे अभी दोबारा पानी आ रहा है, लेकिन अब मैं जो बनाऊंगी वो मैं घर में बना के खाऊंगी। और बहुत ही अच्छे थे, यानी एक दो भी खाएंगे तो शायद आपका पेट भर जाए, क्योंकि तो एक तो मैदा होता है तो मैदा वैसे ही पेट भर देता है। तो ये इसकी फीलिंग थी और फीलिंग थी और अच्छे थे। अगर 10 से कहूँ तो 8 तो थे, बिल्कुल 10 of 10 नहीं थे, 10 of 9 नहीं थे, 8 थे। बस चटनी का इशू था, अगर चटनी वही होती तो ज़्यादा अच्छा था। अब हमने उस कार्ड जो उसके बराबर में ही कार्ड था चाइनीज़ कार्ड, वहाँ से हमने चाइनीज़ लिया और वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, हमें घर आके ही खाना था। तो खैर हम गए तो बाहर कहीं आउटिंग करने थे, लेकिन हमें खैर खाना लेकर हम घर आ गए। अब उन्होंने जो दिया, आपने शायद मेन्यू कार्ड में भी देखा होगा, अब ये हम लेकर आए थे, एक था मंचूरियन रहता, ये कोरियन
कुछ था उसका मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ कोरियन कुछ फ्राइड राइस टाइप थे, और एक हमने चाउमीन लिया था। चाउमीन में जो है ना काफ़ी अच्छी बड़ी नूडल्स थी, और एक हमने सिंपल बेस ली थी फ्राइड राइस की। देखने में अच्छा लग रहा है काफ़ी, और बाउल भी मुनासिब वो थे, लेकिन टेस्ट मुझे नहीं पसंद आया। अब ये चाउमीन देखें, देखने में बहुत मज़े लग रहा है, इसकी नूडल्स भी थोड़ी मोटी वाली थी। और एक हमने मोमोज का पैक और लिया था, क्योंकि हमने कहा था घर जाके एक नॉर्मल यानी दोबारा हम खाएंगे। एक एक उस वक्त हमने खाया था, क्योंकि हम वैसे ही पाँच चार लोग थे, तो और एक एक हमने कहा था कि हम घर आके खाएंगे। ये देखें अब इसमें जो है ना लेयरिंग थोड़ी पतली है, थोड़ी और हैवी हो सकती थी। और खैर घर आके जो है ना ठंडे हो गए थे, तो इतना मज़े करने लगे थे। अब आती है बारी चाइनीज़ की, यानी ये जो चाउमीन थी, चाउमीन कदरे बेहतर थी, लेकिन इन्होंने इसके अंदर चिकन पाउडर हर चीज़ में इतना ज़्यादा डाला हुआ था, इतना ज़्यादा डाला हुआ था कि जो है ना बाकायदा मुंह में फील हो रहा था। आप कभी कच्चा चिकन पाउडर चक्कर देखें, या किसी के ऊपर ऊपर से छिड़क देते हैं, फ्रेंच फ्राइज में भी जो होते हैं चिकन पाउडर जब वो ऊपर से बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट भी कोई नहीं होता, कच कच सी आ रही होती है, वो आ रहा था। खैर मेहदी को ये बहुत पसंद आया, मंचूरियन जो था ये असल में मंगोलियन फ्राइड राइस टाइप कुछ थे, लेकिन यानी मज़े का मुझे तो नहीं, खैर टेस्ट अच्छा लगा। सही में बताऊँ, अब मैं जाऊँ कहीं व्लॉग बनाऊँ तो मैं हर किसी की तारीफ करूँ कि वाओ क्या खाना है, ओ मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपना रिव्यू देती हूँ, जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे जैसा लगता है मैं उसका देती हूँ। मैं खामखाई में तारीफ़ नहीं करती हूँ, ना खामखाई में बुराई करती हूँ। यानी एक तो वैसे ही दिल टूटा हुआ था, बिल्कुल ही दिल टूटा हुआ था, और ऊपर से ये सब हुआ, तो बस यही हमारी होती है। मुझे कमेंट्स में बताएगा कि मैंने सही किया वहाँ से उठ के, या गलत किया, या मैं व्लॉग में उनका वो मैं दिखा दी कि कौन सा रेस्टोरेंट है जिसने हमारे साथ ये किया है। खैर ये छोटा सा व्लॉग था, मेरे दिल की बात थी जो मेरे साथ हुआ, मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ इस चैनल क्या कहते हैं मेरा मुँह है ना सब गुस्सा लग गया। इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ 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 अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।